ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला लिखिए क्लास, पहला पॉइंट देखिए, इसमें बुक वाले कुछ डाल रखा है इसके लिए, नेक साइन कन्वेंशंस बताऊंगी भाई। कन्वेंशंस क्या हैं लेंस के लिए, कन्वेंशंस क्या हैं भाई? देखो भाई, वही कन्वेंशंस हैं लेंसेज के लिए। क्या होगा? ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर भाई, बस वहाँ पे बोलता फर्क इतना ही है। इस तरह मापोगे नेगेटिव, उस तरह मापोगे पॉजिटिव, ऊपर मापोगे पॉजिटिव, नीचे मापोगे नेगेटिव, सेम कन्वेंशंस पे। अजम्पशंस क्या लेके चलते हैं ऑप्टिक्स में? मोस्टली हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज को, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पहले भी कर लिया, यस सर नो, एंगल्स रखेंगे स्मॉल, इसलिए साइन आई इज इक्वल टू आई लिख सकता हूँ, साइन आर इक्वल टू आर कर चुके हैं, कर लोगे। अपर्चर क्या रखेंगे? स्मॉल, जिस वजह से आपको जो करो फॉर्म ऐसे लगेगा स्ट्रेट लाइन की तरह यूज करने जा रहा है, कर पाओगे? ये सारी हो चुकी हैं अभी, तो हम डायरेक्ट टॉपिक करते हैं। ये बुक वाला दोबारा किया हुआ है, जरूरत नहीं करने की आपको, लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस भी, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सीधी सी बात ये है भाई, आपके जो लेंस बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं भी? आपने जो लेंस पहना हुआ, बोलते हो मेरा माइनस 2.5 का है भी, और माइनस 2.5 है क्या और कैसे निकाला गया भी? और उसकी बेसिस पे कैसे लेंस को डिजाइन किया गया भी? सही है, ओके तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है क्लास। देखिए किसके लिए कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, एक्स वाई लेंस है मेरे पास, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कोई भी एक्स वाई लेंस मान रहा हूँ, इट इज कॉन्वेक्स लेंस। ये पॉइंट को पी मान लेता हूँ क्योंकि उसका हर सरफेस यूज करेंगे हम लोग भी, इट इज पी टू। ये क्या है? ओ, ऑप्टिकल सेंटर भी, इसको सी ले लेते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ओ भी, ऑब्जेक्ट को भी ओ लिखते हैं हम लोग कई बार। कर पाओगे? सी इज द ऑप्टिकल सेंटर, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यहाँ पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट्स को भी, ऑब्जेक्ट ओ, क्योंकि सबको ट्रीट करना है जब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स भी। अब देखिए क्लास क्या होगा, ऑब्जेक्ट से एक लाइन जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, स्ट्रेट निकल जाएगी, इसका काम यही है। कर पाओगे? सेकंड भी देखिए, हमारे पास एक लाइट जाएगी भी जो फेस पे स्ट्राइक कर रही है लेंस के इस फेस पे, कौन से फेस पे? एक्स पी वन वाई फेस पे भी, सही है। इमेजिन करो मेरे पास एक्स पी टू वाई सरफेस नहीं है अभी, आगे सारा क्या है? मीडियम है अभी, तो क्या क्या कौन सी कंडीशन हो रही है? रे टू डेंसर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, पॉइंट शुरू हो गया, यस सर नो। इमेजिन क्या आप कर पा रहा हूँ? मेरे पास एक्स पी टू वाई नहीं है, हो जाएगा तो क्या होगा? बीम रिफ्रैक्ट तो करेगी, पक्की बात है, यहाँ से क्या करेगी? बीम रिफ्रैक्ट करेगी। हम मान रहे हैं कि ये सरफेस नहीं है तो क्या चलेगी? इट सरफेस ही नहीं तो क्या चलेगी? मीडियम में तो सी चलेगी, यस सर नो। अरे ये यहाँ तो मुड़ गई, ये तो मुड़ ली यहाँ पे, आगे तो सी चलेगी, मीडियम वही है। कर पाओगे? यहाँ पे क्या बनेगी इसकी इमेज? इट इज आई डैश से, एनी प्रॉब्लम क्लास? अब देखो भाई, लेकिन हमारे पास सरफेस तो है, कौन सा? एक्स पी टू वाई। इस सरफेस के लिए ये क्या है भाई? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। देखो दो केसेस हो रहे हैं, पहला केस ये हो रहा है मेरे पास एक ये सरफेस है अभी, एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज बन गई, इट इज आई डैश, ये बना दिया मैंने, कर लोगे? इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ बनी है? डेंसर मीडियम में बनी है, यस सर नो। इस ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ बनी है इमेज? डेंसर मीडियम में बनी है। अब ये सरफेस देखो क्या है, एक्स पी टू वाई, इसके बाद क्या इमेजिन करना पड़ेगा मेरे को? कि सर डेंसर मीडियम में भाई, क्योंकि इमेज आई डेस कहाँ बन रही है? डेंसर में बन रही है, तो कौन सा सरफेस यूज कर रहा हूँ? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा मैंने, ऑब्जेक्ट कौन अभी? आई डैश, यहाँ पे लाइट जाएगी, उल्टा हो रहा है पॉइंट डायग्राम, यस सर नो। नॉर्मल ड्रा करेंगे ऐसे, तो यहाँ में लगते हैं हम लोग आई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस सरफेस के लिए आई डैश किस तरह बिहेव कर रहा है? ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से लाइट जा रही है, लाइट है, ओके, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज कैसे बनेगी? ये तो बनेगी,
समझ में आया? yes, sir. तुम्हारे तोते उड़ गए भाई? नो सर। यस और नो? यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। दोनों केस यूज किए जा रहे हैं। पहला केस रेड टू डेंसर मीडियम फॉर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकंड मीडियम डेंसर टू रेड मीडियम फॉर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए, लिखो भाई, वी हैव ए कॉन्वेक्स लेंस एक्स वाई, वी हैव ए कॉन्वेक्स लेंस एक्स वाई, ओके। इसमें लिखिए इमेजिन वी हैव ओनली एक्स पी वन वाई सरफेस, इमेजिन वी हैव ओनली एक्स पी वन वाई सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ओके। सो इमेज आई डैश इज फॉर्म्ड, सो इमेज आई डैश इज फॉर्म्ड, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? आई डैश। समझ में आया कि नहीं आया? इस सरफेस, सरफेस के लिए इमेज कहाँ बनेगी? आई डैश। ए पॉइंट पे क्या हुआ? इसके लिए सिर्फ एक सरफेस है, ए पॉइंट पे भी, ए पॉइंट पे चेक करो क्या हो रहा है। लाइट एंटर कर रही रेड से डेंसर मीडियम में, और सारे केसेस में रेड डेंसर में एक ही आंसर था अभी, यस सर नो, डेंसिटी रेस का सभी का एक ही आंसर था, यस सर नो। तो लिखिए एट पॉइंट ए लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ओके। कुछ वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इतना हो गया भाई। yes, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम लोग? यू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक का, इसके लिए वी डैश ले लेते हैं, और इस वाले के लिए वी ले लेते हैं। अब बोलोगे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? यूज करेंगे, लिख देंगे, क्या दिक्कत है? हमने यूज करके आंसर निकाले हुए, चेक करो, हमारे जो आंसर निकले हुए हैं रेड डेंसर डेंसर सब में यूज करके आंसर निकाला गया है। तो दोबारा यूज करते उल्टा हो जाएगा सारा क्वेश्चन, यूज नहीं करना अब उसको, दोबारा कर लोगे। तो एट पॉइंट ए लाइट कैसे कर रही है? लिखवा दिया, ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, उसका इक्वेशन क्या बनता है भाई? माइनस मी वन बाई यू प्लस म्यू टू था बाई वी डैश भाई। इसके लिए इमेज कौन है? आई डैश है। तो डिस्टेंस यहाँ से कितनी? वी डैश इज इक्वल टू वन बाई आर वन। आर वन क्यों लिखा? हो सकता है इसका अलग रेडियस हो भाई, इसका अलग हो सकता है, इसलिए उन्हें आर वन आर टू लिख दिए। कर पाओगे तो कितना आएगा? म्यू टू माइनस म्यू वन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हम सारी पॉसिबिलिटी लेंगे कि होगा कि नहीं होगा, बराबर दिखते को नहीं कोई बाई चांस ना हो जाए बराबर भाई, तो क्या करें? कुछ तो कर लेना पड़ेगा उसके लिए। तुमने उसको क्या ले लिया? आर वन ले लिया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? आर वन। इसका कितना है? अलग ले रहा हूँ, और अलग अलग ही होते हैं भाई एक्चुअल में, ठीक है? बताएंगे आपका इसको, जब लेंस बनाना सीख जाओगे ना तो बताएंगे, हो जाएगा भाई। समझ में आया यहाँ तक के? अब देखिए अभी इसके लिए क्या है, लिख लीजिए, बट वी हैव एक्स पी टू वाई सरफेस, बट वी हैव एक्स पी टू वाई सरफेस। ये बात समझ में आ रही है? हमारे पास है ना सरफेस एक्स पी टू वाई, तो उस सरफेस के लिए आई डैश किस तरह बिहेव कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा भाई। ये बड़ा बच्चों को होता है कन्फ्यूजन भाई, ये कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, दिखता ही नहीं हमको ऑब्जेक्ट, आपको दिखते नहीं कोई ऑब्जेक्ट आपको भी। आपने क्या किया, एक लेंस लिया और अपने हाथ को देख रहे हो आप लोग, क्या दिखता है? हाथ बड़ा दिखता है अभी आपको, ये सर ना देखा कभी लेंस लेके ऐसे? क्या वो आपका हाथ अभी जो आपको लेंस से दिख रहा है अभी? नहीं है भाई, वो तो बड़ा दिख रहा है आपको। क्या आपको अपना एक्चुअल हाथ दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा अभी, ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा आपको। क्या दिख रहा है उसका डायरेक्ट, उसका इमेज दिख रहा है अभी? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑब्जेक्ट दिखता नहीं कई बार हमको, आपने लेंस लिया, अक्षर पढ़ रहे हो आप लोग बुक में से, बड़े अक्षर दिख रहे हैं, क्या आपको वो अक्षर दिख रहा दोबारा छोटे वाला? नहीं दिख रहा भाई, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा आपको? समझ में आया? जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट दिखाई दे आपको, क्या दिखाई दे रहा है उसकी इमेज भी दिख सकती है। कर पाओगे?
तो लिख लीजिए बट वी हैव सरफेस एक्स पी टू वाई एंड आई डैश बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस वी आई डैश बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस ओके एंड फाइनल इमेज आई इज फॉर्म्ड वी फाइनल इमेज आई इज फॉर्म्ड अभी बताने जरूरत नहीं है कि अभी मुड़ेगी टुवर्ड्स मुड़ेगी हम कर चुके हैं सारे टॉपिक्स ये फाइनल इमेज आई इज फॉर्म्ड वी समझ में आया अब बी पॉइंट पे क्या हो रहा है क्योंकि बी पॉइंट पे हो रहा है सर आई अभी लाइट जा रही है बी पॉइंट पे पहुंच गई बी पॉइंट पे क्या हो रहा है एक्चुअल में लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेन मीडियम में यस सर ना देख लीजिए एट पॉइंट बी लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम भी लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम भी देख लो यही हो रहा है लेंस से बाहर निकल रही लाइट सही है कि नहीं है अब जब डेंसर से रेयर में सभी के आंसर सेम थे भी हमारे क्या आंसर था माइनस म्यू टू याद होना चाहिए भी ऑब्जेक्ट कौन है भी आई डैश तो क्या लिखोगे इसकी जगह पे वी डैश प्लस म्यू वन वी इज इक्वल टू वन बाई आर टू म्यू वन माइनस म्यू टू सही लिखा है याद है इक्वेशंस भी पहली इक्वेशन थी रेयर से डेंसर मीडियम में क्या था माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू वन बाई आर म्यू वन था म्यू टू था म्यू टू माइनस ए म्यू वन दूसरे में था डेंसर टू रेयर में था माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई आर म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वेशन में प्रूव की हुई लास्ट पांच टॉपिक के अंदर भी यस सर ना इस इक्वेशंस को इसमें से माइनस को मैं निकाल लूँ भी इस तरफ से क्या लिखेंगे म्यू टू वी डैश प्लस म्यू वन वी इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर टू म्यू टू माइनस म्यू वन भी दिस इज इक्वेशन सेकेंड भी क्योंकि इन दोनों में जोड़ूंगा तो इसमें से ये कॉमन निकाल लूंगा मैं म्यू टू माइनस म्यू वन कर लोगे यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी वन और टू का ऐड करो लेफ्ट कैडिंग लेफ्ट के साथ राइट कैडिंग राइट के साथ तो कितना आएगा माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू टू बाई वी डैश प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू कॉमन क्या रहा दोनों में म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन है भाई यस और नो और क्या बन रहा है वन बाई आर वन माइनस ओके ये कट गया भाई देखो यहां पे क्या बचा म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू सही लिखा है ओके इस पूरी इक्वेशंस को म्यू वन से डिवाइड कर दूंगी म्यू वन कॉमन निकाल लो एक ही बात है दोनों तरफ से देख लीजिए डिवाइडिंग बाई म्यू वन भी पूरी इक्वेशन का डिवाइड कर देते हैं म्यू वन से भी डिवाइडिंग बाई म्यू वन क्या बनेगा माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू कट गए यहाँ पे भाई म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन भी इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू सही लिखा है yes. अरे बोलोगे इसको क्यों नहीं किया बोलोगे क्या भरोसा नहीं लग रहा मेरे को तुम्हारा है ना भाई हो गया कर दिया यहाँ पे ये क्या है भाई क्लास म्यू टू बाई म्यू वन ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल्स ऑफ द ग्लास सॉरी ऑफ द लेंस भी लिख दो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस लेंस जिसका मेटल का बना हुआ है लेंस प्लास्टिक का है फाइबर का है ग्लास का है आपका ये हुआ माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू सही है दिस इज अ लेंस मेकर फार्मूला भी सही है कि नहीं है रब कर दें इसको नीचे वाले को
आगे लिखो, इसी में लिख देते थोड़ा सा और, इतना हो गया। लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया जाए, इमेज कहाँ बनती है? इमेज फॉर्म्ड ऑन फोकस भी, अरे वही चीज़ें सारी। मैं इमेज मैंने क्यों नहीं करवाई आपको? मैं आप बोलूँगा बोलूँगा जो आपको हम रखा कि इमेज बना के लाओ, सारी भी सेम इमेज हैं जो आप वहाँ बन रहे हैं, मिरर्स के अंदर बन रहे हैं। फ़र्क क्या है? वहाँ पर रिफ्लेक्शंस, यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्शंस। फ़र्क इतना है यहाँ पे कॉन्वेक्स और वहाँ पे कॉनकेव, सेम बिहेव करते हैं, ठीक है? हो जाएगा भाई। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ इन्फिनिटी के ऊपर, तो यू कितना हो गया? इन्फिनिटी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और वी कितना हो गया भाई? फोकल लेंथ के बराबर में, क्योंकि इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। लेंथ कितना होगा? ओ से फोकल लेंथ एफ, पता है कि नहीं पता? yes, तो कितना आएगा? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला भी। और थोड़ा बहुत अगर दिमाग खुला हो 10वीं क्लास के टॉपिक्स का भी, 1/f पावर होता भी। एक्चुअली मैंने क्या निकाल दिया? पावर का फार्मूला ड्राइव किया भी। अब आपकी आप डॉक्टर बोलते हैं आपकी यहाँ के 2.5 का चश्मा लगेगा, 2.5 प्लस का भी। तूने इसका आंसर दे दिया, इसका आंसर कितना होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए अभी। म्यू ग्लास का यूज़ करोगे तो 1.5 है। अब बच गया अभी 1/r1 कितना रखो? 1/r2 से कुछ कटिंग करते हैं फिर उस लेंस उस सीट की भी, r1 r2 के हिसाब से, फिर आपका लेंस तैयार होता है। समझ में आया? लेंस मेकर फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक क्या? लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस भी। कॉनकेव लेंस के लिए करते हैं क्लास, देखिए अभी पहले लेंस ही बनाते हैं। सी लिया था इसको मैंने, सी बातें नहीं अभी। ये लेंस एक्स वाई भी, ये P1, ये P2, ओके। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे भी, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हो। अगर मैं सिंपल फॉर्म देखूँ इसका, इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर सिर्फ सरफेस एक्स P1y हो, आगे क्या हो? मीडियम हो, तो क्या लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है? रेयर से डेंसर में इन कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, यह सर ना। तो उसके लिए क्या आंसर हुए थे, कुछ याद है? इसमें किस तरह की इमेज बनती हैं? वर्चुअल इमेज बनती है। हाँ, तो उन्हें पता नहीं कुछ भी बना रखा है पेपर्स में, कौन की वजह कौन वस्ट होकर रखे, कौन वस्ट कौन क्यों रखा, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। किसी ने यहाँ पे सेंटर बना रखा है इस तरफ जाके, यूज ये कर रहे हैं सेंटर यहाँ बना रखा है, ठीक है? कुछ भी यहाँ पे देखो भी क्लास, लाइट जाएगी, अगर सिर्फ ये होता भी तो डायग्राम कैसे बनता क्लास, कुछ याद है? सिर्फ ये होता भी, हम क्या करते थे? नॉर्मल ड्रा करते थे, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल्स भी, यहां पे बनती थी इमेज भी, कुछ याद है कि नहीं है? yes, इसकी ये भी, क्योंकि तो प्रॉपर्टी कौन सी है? डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी इसके पास। yes, तो डाइवर्ज तो करेगा भाई। yes, इस बीम को पिच में लाए, यहाँ पे क्या बनेगी इसकी? आई डैश, ओके। इस सरफेस का काम खत्म हो गया अभी, ओके। अब सेकंड सरफेस के लिए आई डैश बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, इमेजिन कर पा रहे हो कैसे डायग्राम होगा? इसके बाद सारा क्या? डेंसर मीडियम भी, बातें नहीं। ये सरफेस के लिए ये ऐसा है, इसके बाद सारा लेंस है भाई। इमेज कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? आई डैश बनाओगे फिर ऐसे करेगा, यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट्स, याद है कि नहीं है? yes, तो ये और क्योंकि डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है और डाइवर्ज होगा भी। इसको पिच में लाएं, यहाँ पे क्या बनेगी? फाइनल इमेज, इट इज आई, सेम
थ्योरी सेम है, डायग्राम डिफरेंस है भी। समझ में आया? डायग्राम बनाओ जल्दी से भी। उड़न दस्ते घूम रहे हैं ना, उड़न दस्ते बोलते पलंग को, पलंग को क्या बोलते हैं? उड़न दस्ता ही बोलते हैं। मेरी क्लास में कौन सी क्लास में लगाई ड्यूटी मेरी? इलेवंथ में, आर्ट्स है, हो गया। डायग्राम बना लिया भाई? हाँ विजय कुमार, क्या बातें मार रहे हो? हैं? अच्छा, इतनी सारी बातें कर रहे हो, कुछ नहीं, तुम चार क्यों बैठे हो इस बेंच पे? अगले वाले पे चेयर ले ले, चेयर ले ले। चेयर ले भाई, बैठा रहा तुम, जो उड़े बैठ जा रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा होगा यार तुम क्लास में। पाँच मिनट रह रही होंगे सर ये, उड़े बैठ जा, उड़े बैठ जा, ये ले जा। बातें नहीं, देखिए भाई लिख लीजिए, वी हैव ए कॉन्वेक्स लेंस, वी हैव ए कॉन्वेक्स लेंस एक्स वाई, वी हैव ए कॉनकेव लेंस एक्स वाई ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन एंड आर टू, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन एंड आर टू। ओके, आर वन इसके लिए, आर टू इसके लिए, आर वन एंड आर टू। आगे लिखिए, कंसिडर वी हैव ओनली, कंसिडर वी हैव ओनली एक्स पी वन वाई सरफेस, कंसिडर वी हैव ओनली एक्स पी वन वाई सरफेस। अगर मेरे पास सिर्फ एक्स पी वन वाई सरफेस हो तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी? आई डैस पे। सो कंसिडर वी हैव ओनली एक्स पी वन वाई सरफेस एंड इमेज आई डैस इज फॉर्म्ड, वी इमेज आई डैस इज फॉर्म्ड। ये पॉइंट हमने लिया था ए पॉइंट भी, याद है ना, ये पॉइंट भी लिया था अभी। ए पॉइंट पे क्या हुआ क्लास, लिख लीजिए एट पॉइंट ए, एट ए लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है? रेयर से डेंसर में भी, रेयर से लेंसर में। लिख लीजिए लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसकी इक्वेशन क्या बनी थी, याद होनी चाहिए आपको भी, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी डैश। लिख दूं, लिखूं इनको, यू क्या है, वी क्या है, यू वी डैश क्या है, पता होना चाहिए अभी। यहाँ से यहाँ तक का यू है, यहाँ से यहाँ तक का v डैश है, यहाँ से यहाँ तक का v है भी, जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। इज इक्वल टू भी कितना आएगा, वन बाई आर वन इंटू म्यू टू माइनस मी वन। बाई क्यों कर दे, पांच सौ डलवा दिए कोशिश में। फर्स्ट इक्वेशन होगी, ओके भी। लाइट कैसे ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर में, हो गया। अब लिखिए भी, इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखो वी हैव सरफेस, लिखिए बट वी हैव सरफेस एक्स पी टू वाई, बट वी हैव सरफेस एक्स पी टू वाई एंड इमेज आई डैश, एंड इमेज आई डैश बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, इमेज आई डैश बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस एंड फाइनल इमेज
फाइनल इमेज आई इज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज आई इज फॉर्म्ड, आई बनेगी इस इमेज यहाँ से, बनती कैसे बताने जरूरत नहीं है आपको, टॉपिक हम पहले हो चुके हमारे सारे, कर लोगे। एट पॉइंट बी लिखिए, एट पॉइंट बी, बी पे क्या हो रहा क्लास, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लेंस से बाहर निकल रही है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, उस कंडीशंस के लिए क्या होगा, देखो अभी आंसर हमारे, माइनस म्यू टू था बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, भी ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर भी, टू वी डेस ले लू, आई डेस ऑब्जेक्ट है, प्लस म्यू वन बाई वी इमेज वन बाई आर वन इंटू आर टू, वी आर टू म्यू वन माइनस म्यू टू, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, कितना आएगा म्यू टू बाई वी डैश प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू, कितना हो गया माइनस वन बाई आर टू म्यू टू माइनस म्यू वन, इक्वेशन सेकेंड वे सही है। अब वही चीज करनी है आपको, ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को भी, लिख लीजिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी, रब कर दें इस डायग्राम को भी, इसके साथ माइनस म्यू वन बाई यू माइनस का है ना, म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू टू बाई वी डैश प्लस म्यू वन बाई वी, सही लिखा है ओके। इन दोनों में कॉमन क्या है, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन, अभी निकालो बार, म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, सेम टॉपिक है भाई, तो डायग्राम में फर्क है ओके, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन यूज होगी आपके यहाँ पे भी, रब कर दें इसको भी, कितना होगा भाई क्लास कट गए, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू हो जाएगा। उसके बाद इसमें से म्यू वन कॉमन निकालो, म्यू वन से डिवाइड कर दो, मर्जी आपके भी कर लोगे, डिवाइडिंग बाई म्यू वन भाई, पूरी इक्वेशन को कर देते हैं डिवाइड, डिवाइडिंग बाई म्यू वन कितना आएगा भाई, माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, सही लिखा है। और जो म्यू टू बाई म्यू वन है ये क्या एक्चुअल में, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस किस मेटेरियल का बना उसका म्यू है ये, वन बाई यू प्लस बातें नहीं वन बाई वी वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, क्या हो गया भाई क्या हो गया, टॉपिक आने लगे होगा सभी को, यस और नो, देखिए तुम्हें डायग्राम दिखा देख रहे हैं, टॉपिक तुम कर रहे हैं, कौन क्यों का पूछ रखा है, कौन उसके ठोक रखे अभी दिख रहे हैं मेरे को डायग्राम उसमें, मैंने फिर भी बहुत मार रहे हैं देख ली ओके ये था भाई आपका लेंस मेकर फार्मूला भी। इसमें एक चीज ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इमेज फॉर्म्ड ऑन फोकस भी, इमेज कहाँ बनती है फोकस पे भी, उस कंडीशंस में देखो क्या आंसर आएगा, क्या लिखा था, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी v इज इक्वल टू वन बाई सॉरी f, तो सिंपल अभी वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो वन बाई f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला, ये टॉपिक पांच पांच नंबर टॉपिक हो गए तुम्हारे।